हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉरफिट चैनल। तो आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है आरबीआई गवर्नर की तरफ से इंडिया के सीबीडीसी को लेकर। तो उनका कहना यह है कि वो क्रिप्टो के रिस्क को काउंटर करने वाले इस सीबीडीसी के द्वारा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो वजीरक्स का इतना बड़ा हैक हुआ है और उसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो हम सभी के ऊपर ही पड़ा है, यानी कि हमारा जितना भी अमाउंट लॉस में गया है वो अमाउंट वापस अभी तक नहीं मिल रहा, और उसकी सारी अपडेट्स मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ और ऑप्शंस भी चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो यही है कि हमारे जितने फंड्स पड़े थे एक्सचेंज के ऊपर वो इंश्योर्ड नहीं थे या फिर वो सेफ नहीं थे। यही कारण है कि आज हमें अपना ही अमाउंट वापस नहीं मिल रहा है, जबकि देख सकते हैं कि अभी बुलिश मार्केट चल रही है और इस मार्केट से हम कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉरफिट ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारी अपडेट्स साथ के साथ डाल रहे हैं। तो अभी जो हमारे आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो उन्होंने कहा है कि वो इंडिया का डिजिटल रूपी सीबीडीसी लेकर आ रहे हैं, जिससे क्या है कि क्रिप्टो रिस्क को काउंटर किया जाएगा, क्योंकि इससे क्या है कि स्टेबल एंड एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो पाएंगी, जैसे कि एक्सआरपी या फिर रिपल की चेन को यूज किया जा रहा है, और इससे जो ट्रांजेक्शन होने वाली है बहुत ही फास्ट रहेंगी, एफिशियंट रहेंगी, और क्रॉस बॉर्डर पीयर टू पीयर पेमेंट्स भी हो पाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने खुद भी एक वार्निंग दी है कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं, डाटा ब्रीचेस हो रहे हैं, और इस चीज को अगर हम कनेक्ट करते हैं क्रिप्टो के साथ, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली वजीरक्स की ही बात कर लें तो वजीरक्स के ऊपर इतना बड़ा हैक हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि जो वॉलेटिलिटी का रिस्क है उस रिस्क को कम किया जा सकता है, और यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस के लिए बिटकॉइन और इथेरियम की बात करी है। तो हम भी जानते हैं कि ये जो बिटकॉइन और इथेरियम है इनको रिप्लेस स्टेबल कॉइन कभी भी नहीं कर सकता। शायद गवर्नमेंट नहीं जानती है कि स्टेबल कॉइन एक अलग चीज होती है और बिटकॉइन और इथेरियम टोटली अलग चीज है। तो स्टेबल कॉइन को सिर्फ रिमिटेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल करंटली सोलाना चल रहा है या फिर सुई चल रहा है या फिर इथेरियम चल रहा है, कार्डानो चल रहा है, तो इन प्रोजेक्ट्स को स्टेबल कॉइन से कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो करंटली हम सीबीडीसी को सिर्फ पीयर टू पीयर पेमेंट्स के लिए या फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो ये है कि जो अच्छी एक्सचेंजेस हैं उनको किसी न किसी तरीके से सिक्योर बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज कर सकते हैं जिसमें बाइनेंस जैसी काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस आ जाती हैं जो कि बाहर की एक्सचेंजेस भी हैं, लेकिन एक टाइम पर आके हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो इंडिया की है वो यूज़ करनी ही पड़ती है। और इसी के साथ अगर हम डेक्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेक्स हैं, जैसे कि यूनिस्वैप है, पैनकेकस्वैप है, या फिर हम जुपिटर की बात करें, DYDX की बात करें, लेकिन उसके ऊपर भी एक रिस्क इन्वॉल्व रहता ही रहता है, क्योंकि अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा कंट्रोल रहता है, ट्रांसपेरेंसी और भी ज्यादा रहती है, KYC करके हमारा अकाउंट और भी ज्यादा सिक्योर रहता है। डेक्स का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रॉनी नेटवर्क में $625 मिलियन का हैक हुआ था, पॉली नेटवर्क में $611 मिलियन का हैक हुआ था, बाइनेंस BNB ब्रिज में $559 मिलियन का हैक हुआ। यानी कि इस तरीके से हैक्स चलते रहते हैं और ज्यादातर डेक्स के ऊपर हैक बहुत ही ज्यादा होते हैं, और यही हैक हमने एक वजीरक्स के ऊपर भी देख लिया जिसका अभी कमेटी ऑफ क्रिएटर्स बनाया गया है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जो नेटवर्क्स हैं ये भी हैक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा एक्सचेंज मिले जिसके ऊपर आपको और भी ज्यादा सेफ्टी मिले या फिर इंश्योर्ड फंड्स मिले तो वो है मुद्रेक्स, यानी कि मुद्रेक्स के ऊपर आप अपने फंड्स को रख सकते हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी मिलती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मुद्रेक्स ने कि यहाँ पे आपका कोई भी एसेट या फिर आपके फंड्स मुद्रेक्स के द्वारा यूज नहीं किए जाएंगे बिना आपकी परमिशन के, और उससे भी बड़ी चीज़ यह है कि आपके जितने भी फंड्स हैं इनको इंश्योर किया जाता है। इंश्योरेंस की वजह से क्या है कि आपके फंड्स कभी भी यहाँ से लॉस में नहीं जा सकते। लॉस कहने का मतलब है कि यहाँ पे हैकिंग की ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और उससे भी बड़ी चीज़ यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि 100% कंप्लायंट है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है FIU इंडिया के साथ और कंप्लाई कर रहा है इंडियन एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पे 1-on-1 का एक्सपर्ट सपोर्ट भी मिलता है, जो कि आप डायरेक्टली कॉल से भी कर सकते हैं। और रेगुलेशंस की बात करें, रेगुलेटरी लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस, अप्रूवल्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी FIU यहाँ पे दी गई है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि रजिस्टर्ड है विद द नेम ऑफ RPFAS टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। OAM भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी यहाँ पे लाइसेंस नंबर दिया गया है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इटली के द्वारा, और बैंक ऑफ लिथुआनिया के द्वारा भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे जो मुद्रेक्स है इसका जो पूरा पूरा फोकस है वो ये कि आपकी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहे और पूरी पूरी कंप्लायंस भी रहे, आपके जो फंड्स हैं मुद्रेक्स के ऊपर सेफ रहे। बैंक ग्रेड एनक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, AES-256 एनक्रिप्शन मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग एनक्रिप्शन है, और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि बैंक्स एंड गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कंट्रोल के साथ साथ आपको मल्टी लेयर्ड ऑथेंटिकेशन मिलती है, जिसमें आपको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलती है। एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि प्रो एक्टिव विजिलेंस यहाँ पे रहती है, जिससे क्या कि हमारे फंड्स की सेफ्टी हमेशा रहने वाली है। तो जब भी आप एक एक्सचेंज चूज करते हैं जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, खासकर इंडियन हो, जिसमें FIU कंप्लायंस हो, तो आप मुद्रेक्स के लिए जा सकते हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो क्लिक करके अभी से साइनअप कर लो, और साइनअप करके आपको यहाँ पे मैं काफी सारे और भी ऑफर्स देने वाला हूँ। तो आज का आपका उठाया हुआ एक स्टेप, यानी कि अगर आप आज एक सही एक्सचेंज चूज कर लेते हो तो आपका जो फंड्स है वो तो सिक्योर रहेगा ही, आप रेगुलर बेसिस पर अच्छे तरीके से ट्रेडिंग भी कर पाओगे। और क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है इस क्रिप्टो वर्ल्ड में आने का, वो यही कि ट्रेड करके हम सही ढंग से अर्न कर पाए, तो वो आप मिद्रेक्स के ऊपर कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर हम बात करें वजीरेक्स की, तो यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रिएटर्स क्रिएट किया गया है, लेकिन इसके ऊपर टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम FTX की बात कर लें, तो उसका भी हैक कब से हुआ है, 2022 हुआ है, लेकिन उसकी जो रिकवरी हो रही है वो बहुत लंबा समय लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो फंड्स हैं वो एकदम से नहीं मिलने वाले, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे पहले माउंट गॉक्स का $473 मिलियन का था, तो वो भी इतने लंबे से पेंडिंग ही पड़ा है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो RBI गवर्नर के द्वारा यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर सपोर्ट दिख रही है तो वो CBDC में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन को यूज़ किया जाएगा और CBDC यानी कि एज ए स्टेबल कॉइन हम इसको ट्रांसफर कर पाएंगे, वर्ल्ड वाइड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी कर पाएंगे। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। किसी और कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे कमेंट करो। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।